नमस्कार दोस्तों, मैं रियांश मॉम आप सभी का स्वागत करती हूं आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं घर में सुख शांति लाने का मंत्र। ऐसा हम क्या करें महिलाएं कि हमारे घर में सुख समृद्धि सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन वातावरण का होना आवश्यक है। यह न केवल बाहरी स्थितियों से जुड़ा है बल्कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण और जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे 10 उपाय बताएंगे जिससे आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहला है सकारात्मक विचार। घर में शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे विचार होते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। सकारात्मक विचार आपके घर के माहौल को बहुत खुशहाल भी बना सकते हैं। इसके लिए नेगेटिव से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जितना हो सके हमें अपने घर के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखना ज़रूरी है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना शांति के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होता है। घर के किसी भी एक कोने में एक पूजा स्थल जरूर होना चाहिए, जहां रोजाना हम एक समय में ध्यान व प्रार्थना कर सके। इससे हमें मानसिक शक्ति मिलती है और घर का जो वातावरण होता है ना, वो भी शांतिपूर्ण रहता है। घर में एक पूजा स्थल होने से घर का जो वाइब्रेशन रहता है वो एकदम पॉजिटिव रहता है और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं नंबर 3, साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। घर में स्वच्छता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साफ सुथरे और व्यवस्थित घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बहुत अधिक पाया जाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी ज़रूरी है। मतलब जो हम साफ सफाई रखते हैं ना, इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो बीमारियाँ पैदा होगी। तो इसलिए हमारे मन को भी शांत रखता है और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। घर का वातावरण जितना स्वच्छ होगा उतना ही शांति और संतुलन घर में बना रहेगा। विशेष रूप से घर का मुख्य दरवाजा और पूजा स्थल जो होता है ना, यहाँ पे हम पूजा करते हैं, वह हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वास्तु और फेंग शुई का पालन। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर में वस्तु की सही दिशा और स्थान होना सुख शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर का निर्माण और उसकी साज सज्जा अगर वास्तु के अनुसार की जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। तो हमारे घर की जो चीज़ें होती है ना, वो वास्तु के हिसाब से अगर रखी जाएं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे घर की शांति अशांति पे ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर हम वास्तु के हिसाब से हम चीज़ों को बनाएं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एक दूसरे के प्रति सम्मान। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार व सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को आदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो घर का माहौल होता है ना, वो सौंदर्यपूर्ण बना रहे, अच्छा बना रहे। सदस्यों के बीच कोई अहम नहीं होना चाहिए, ना कोई ईर्ष्या होना चाहिए। ये इन सब चीज़ों को ना अपने घर से जितना हो सके दूर रखिए, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति बनी रहे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की,
संतुलित खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना। स्वास्थ्य घर की शांति के लिए आवश्यक होता है। घर में संतुलित आहार भोजन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार के सदस्यों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है जो घर में माहौल को प्रभावित करता है। अगर हमारे घर में खाना अच्छा बनता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो इससे भी हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का वास होता है और एक अच्छा स्वास्थ्य ही परिवार शांति और खुशहाली दे सकता है। जब हमारे घर में सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम खुशी से रह सकते हैं। और हम महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तभी हम अपने परिवार का भी ध्यान रख सकती हैं। तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि सारा जो खान पान का जो जिम्मेदारी होती है एक महिला के हाथ में होती है, तो कोशिश कीजिए अपने परिवार को संतुलित आहार ही ज़्यादा से ज़्यादा दे, और नियमित रूप से व्यायाम करना, योग करना, इसकी आदत अपने परिवार की भी डालें और खुद भी करें। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, संगीत और ध्वनि का महत्व। संगीत में अद्भुत शक्ति होती है। शास्त्रीय संगीत, मंत्रों का उच्चारण और मधुर ध्वनि घर में बजाना मानसिक शांति प्रदान करता है। मतलब जब भी आपको लग रहा है ना कि माहौल थोड़ा नेगेटिव है, तो घर में कुछ अच्छा भजन बजा लीजिए, कुछ भगवान के गाने बजा लीजिए या कुछ पॉजिटिव चीज़ें बजा लीजिए, जिससे आपके जो घर का माहौल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए और जो नेगेटिविटी हमारे घर में आ गई है वो दूर चली जाए। इसके साथ ही घर में घंटी शंख बजाना भी अच्छा माना जाता है। इससे क्या होता है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए कहते हैं जब हम पूजा करते हैं तो शंख बजाना या हम पूजा करते हैं तो घंटी बजाना, इसकी ध्वनि से हमारे घर का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है और घर में सुख शांति लाने में हमारी मदद करता है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, आर्थिक संतुलन बनाए रखना। आर्थिक स्थिति परिवार में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिजूल खर्च से बचें और अपनी आय के अनुसार ही खर्चा करें। ये नहीं कि आपकी कमा आप कम रहे हैं और खर्च आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी आमदनी है और एक बजट के हिसाब से ही अपना खर्च हमें करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, घर में अशांति आ जाती है, क्योंकि हमारे पास पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आर्थिक तनाव ना होने दें, क्योंकि यह घर के माहौल को नेगेटिव बनाता है। बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे घर में हर चीज़ को हम अच्छे से यूज़ भी कर सकें और अपने घर में सुख शांति का माहौल भी बनाए रख। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जितना हो सके घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। घर में प्राकृतिक तत्वों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधे, प्राकृतिक रोशनी, ताजगी घर के माहौल को शुद्ध बनाती है। घर में हरा भरा वातावरण बनाने से सकारात्मक का संचार होता है। पौधों लगाने से न केवल पर्यावरण को मदद मिलती है, बल्कि घर का जो वातावरण होता है ना वो भी खुशहाल रहता है और एक पॉजिटिव शांति हमारे घर में बनी रहती है। परिवार में सुख शांति तभी संभव है जब घर के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार और सहयोग का भाव रखें। एक घर में अच्छे रिश्ते बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद या समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ मिलकर समय बिताना, जैसे कि एक साथ भोजन करना, एकजुट होकर बढ़ावा देता है और परिवार में खुशहाली का संचार करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आज हमने आपसे शेयर किया कि घर में सुख शांति लाने का कौन सा मंत्र है, कौन सा उपाय है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।